ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में अवैध रूप से महुआ से बनने वाली कच्ची शराब की भट्टियां संचालित हो रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। बागली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दगड़ी के जंगल में एक बार फिर आबकारी विभाग ने दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम दगड़ी के जंगल में महुआ से बनने वाली अवैध कच्ची शराब की भट्टियां संचालित हो रही थी, जहां पर टीम द्वारा दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब एवं महुआ लहान जब्त किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज दिनांक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बागली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दगड़ी के जंगलों में अवैध स्मगलरों के द्वारा हाथ भट्टी शराब का संचालन किया जा रहा बनाई जा रही है और बड़ी मात्रा में बनाई जा रही है, ऐसी सूचना थी। तो आबकारी विभाग के द्वारा वहां पर दबिश दी गई। आबकारी के अमले को देख के वहां से शराब बनाने वाले लोग फरार हो गए और हमारे द्वारा 70 लीटर हाथ भट्टी जब्त की गई और 2000 किलो महुआ लहान के लगभग नष्ट किया गया, वो जिसकी कीमत 1,14,000 के लगभग है। आबकारी विभाग के द्वारा और भी भविष्य में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।